काली कमाली दुर्गा शिवा शिवा बोलो 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 देख रहे हैं मेरी एक और नई वीडियो। सो भाई जो आज की वीडियो रहने वाली है, वेटिंग फाइनली ओवर हो चुकी है। ऑल न्यू i20 लॉन्च हो चुकी है। काफी टाइम से वेटिंग चल रही थी, काफी लीक्स आ रही थी कि भाई i30 आएगी, i20 आएगी, क्या आएगी। फाइनली i20 आ चुकी है। i20 के साथ साथ BD Hyundai का भी ग्रैंड ओपनिंग है। तो सर आज हमारे साथ रहने वाले, पहले सर आज i20 के बारे में क्या क्या नए फीचर्स मिलते हैं, पुरानी से क्या अपग्रेड हुआ है, सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। i20 के बारे में जो पूरी न्यू एक नई कार आई है। हाँ जी, फर्स्ट इसके अंदर जो है फ्रंट में DRL आया है, ठीक है, साथ में प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद DRL LED लाइट। आपको फर्स्ट में आपको न्यूली आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए, कैस्केड डिजाइन विद आपके इसमें ब्लैकी कैस्केड डिजाइन ग्रिल आई है विद क्रोम, ठीक है, स्माइली लोगों के साथ में, ठीक है। ड्यूल आपका इसमें स्किड प्लेट के साथ में बंपर दिया गया है, ओके, ताकि लुक को एनहांस करता हुआ, ठीक है। सर कौन सा मॉडल ये अपना रहने वाला है? एस्ट्रा मॉडल है। एस्ट्रा मॉडल ऊपर एस्ट्रा ओप भी आता है, ठीक है। आपको सनरूफ वगैरह मिलेगी, 6 एयरबैग मिलेंगे आपको, वेंटिलेशन सीट के साथ में आएगा। इसमें जैसे न्यूली आपको बंपर के हुड के ऊपर देखेंगे, ट्रैक्टर लाइन अलग से दी गई है, ठीक है सर। आपकी एयर कटिंग के हिसाब से जब आप ड्राइव करते हो वाइल्ड हाईवे के ऊपर, तो आपको और अच्छे एयर कटिंग करती है, जिससे एवरेज परफॉर्मेंस बढ़ती है गाड़ी की। ओके, ये नई i20 में अपग्रेड किया गया? अपग्रेड किया गया, नया डिजाइन दिया गया, ठीक है सर। गाड़ी और अच्छी परफॉर्मेंस दे और अच्छी माइलेज, ठीक है। तो फोकस है Hyundai का माइलेज के ऊपर, ठीक है। ओके, सो फ्रंट प्रोफाइल से गाइस कुछ ऐसी रहने वाली है। सर ने काफी अच्छे से आप लोग को बताया कि भाई फ्रंट में क्या क्या मिलता है। अब साइड प्रोफाइल की तरफ चलते, तो सर साइड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं? 16 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील दिए गए हैं, ठीक है। 16 के साथ में 195 ठीक है, 55 ठीक है सर, रेशो है, ठीक है सर। तो साइड में आपको स्किड प्लेट दी गई है, नई स्कर्टिंग ऐड करी गई है, i20 के साथ लोगों के साथ में ब्रांडिंग के साथ में Hyundai के लोगों, ठीक है, i20 के साथ में। यहाँ पे मैं क्रोम में देख रहा हूँ सब कुछ, इसमें क्रोम हैंडल दिए गए हैं प्रीमियम के लिए, ठीक है। विंडो दी गई है गार्निश, ठीक है, प्रीमियम बढ़ेगा। ओके, तो साइड मिरर भी काफी ज्यादा इस बार अमेजिंग कर दिया गया है। इसमें आपकी टर्न इंडिकेटर के साथ में इसमें 3 ऑप्शन है, जैसे 3, 5, 7 ऑप्शन आप दे सकते हैं, आपको 3 ऑप्शन दिए गए। सो भाई साइड प्रोफाइल से कुछ अपनी ऐसी देखने को लग जाती है, अपना सनरूफ वाला मॉडल नहीं है, ये चीज चेकआउट कर लो। पीछे आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है भाई। सो भाई ऐसी कुछ साइड प्रोफाइल से गाड़ी रहने वाली है। अब मैं आपको बैक प्रोफाइल से दिखाता हूँ कि गाड़ी का क्या लुक निकल के आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके जो टेल लैंप्स आई हैं, हाँ जी, LED के साथ टेल लैंप्स हैं, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ। क्रोम की इसमें गार्निश दी गई है, जैसे आपकी डिक्की के लिए क्रोम गार्निश दी गई है, ठीक है। क्रोम गार्निश हमें पूरी प्लेटिंग के साथ देखने को मिल जाती है, मिलेगी क्रोम गार्निश। डिफॉगर आ जाएगा जी, रियर में आपका वाइपर आ जाएगा, ठीक है, पार्किंग सेंसर विद कैमरा, ठीक है, स्किड प्लेट्स आ जाएगी। नई चीज आई है जो बम्पर ड्यूल बम्पर दिया गया है, ताकि आपकी बम्पर को रगड़ ना लगे, स्किड प्लेट लुक को बहुत एनहांस करती है, स्पोर्टी लुक देती है गाड़ी, साथ साथ प्रोटेक्शन भी करती है, प्रोटेक्शन के साथ में स्पोर्टी लुक दे रही है, स्पोर्टी लुक दे रही है गाड़ी। तो गाइस ये अपना एस्टा मॉडल है, सर ने स्टार्टिंग में ही बता दिया आप लोगों को। पार्किंग सेंसर चेकआउट कर लो, ऐसा कुछ रहने वाला है भाई। सो भाई एक्सटीरियर में तो भाई यही सब था, और 285 मीटर का इसका बूट स्पेस आ जाएगा। तो भाई बूट स्पेस देख लो कितना ज्यादा लार्ज है, यहाँ पे चीज चेकआउट कर लो। बूट स्पेस हमें 285 लीटर का देखने को मिलता है, वन टच बूट है भाई, यहाँ से टच करोगे जस्ट आप बूट ओपन कर लेना है विद लगेज लैंप के साथ में, और वाइड ओपनिंग है जिसमें आप लगेज बड़े आराम से रख सकते हो गाड़ी में, और बड़े आराम से आप इसको बाहर निकाल सकते हो। तो काफी ज्यादा ये नहीं है, काफी वो नहीं है, नैरो नहीं है, बहुत अच्छा लार्ज दिए गए। भाजी इसमें जो हमें स्टेफनी मिल रही है वो अपने अलॉयज है या व्हील? स्टेफनी आपका नॉर्मल जो व्हील आता है स्पेयर व्हील, वो वैसे ही आएगा और 1 इंच छोटा आएगा, इसकी वजह से आपको अलॉय व्हील नहीं आता। ओके, सो भाई ऐसा कुछ बूट है, देख लो भाई अगर आप इन फ्यूचर कभी CNG लगाते हो उसके बाद भी काफी अच्छा आपको भाई बूट स्पेस यहाँ देखने को मिल जाएगा।
ऐसा कुछ स्टेफनी कह लो या स्पेयर व्हील आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। हुंडई की टूल किट यहाँ पे लैंप जैसे कि सर ने आपको बता ही दिया। सो भाई बूट स्पेस कुछ अपना ऐसा रहने वाला है। इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि न्यू इंजन आया है इसमें आपको 1.2 लीटर इंजन के साथ में 87 bhp की पावर मिल रही है। ओके ठीक है। इसमें एक और इंजन ऑप्शन मिलता है आपको 1.0 टर्बो के साथ में, जिसमें आपको 190 bhp की पावर मिलती है। ठीक है। और 1.5 डीजल में आया है जिसमें आपको 99 bhp की पावर मिलती है। ठीक है। हम कितनी इसमें माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? माइलेज में जो कंपनी क्लेम कर रही है 19.6 की क्लेम कर रही है आपको। ठीक है ठीक है। और जो आपको इसमें डीजल में है 22 की क्लेम कर रही है। ओके। सो गाइस ऐसा कुछ इंजन रहने वाले, अपना पेट्रोल वेरियंट रहने वाले, चीज चेकआउट कर लो भाई, काफी अच्छा सा काफी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कि अब आपको इसका इंटीरियर चेकआउट करवाया जाए तो सर अंदर हमारे साथ रहने वाले हैं। ऐसे कुछ इसका इंटीरियर आपको देखने को मिल जाता है भाई। तो सर सबसे पहले इसमें ऑल फोर पावर विंडोज हमें देखने को मिल जाते हैं। फोर पावर विंडो आ जाएंगी आपकी, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल मिरर के साथ में आएगा आपका। ठीक है। न्यूली डिजाइन एकदम से इंटीरियर है जिसमें ब्लैक दिया गया, स्पोर्टी डिजाइन दिया गया। जी बिल्कुल, इंटीरियर चेंज कर दिया गया भाई, जो कि किसी भी हुंडई की कार से आपको सिमिलर नहीं देखने को मिलेगा। एक यूनिक कॉन्सेप्ट एक तरीके से कह सकता हूँ, अलग ही चीज मिली है। 10.26 की आपकी डिस्प्ले मिली है जिसमें 10 इंच की आपकी टच स्क्रीन मिला है। म्यूजिक सिस्टम आया है विद बोश के साथ में, बोश म्यूजिक सिस्टम है। बोश के यहाँ पे स्पीकर आपको देखने को मिल जाएंगे भाई। और इनका रिस्पांस चेक आउट कर लो भाई, टच का कितना अच्छा रिस्पांस है यहाँ पे भाई। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ गूगल मैप की लोकेशन, सब कुछ आपको इसमें नेविगेशन देखने को मिल जाएगा। A to Z सारे फीचर आपको देखने को मिले। पाजी इसमें हमें एप्पल कार प्ले मिलता है, एप्पल एंड गूगल कार प्ले है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, इसमें ब्लू लिंक आया है। हुंडई ने इसमें इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम ब्लू लिंक। ओके। इससे क्या है, अपनी गाड़ी का पूरा ही अपने मोबाइल के ऊपर आप चेकआउट कर सकते हो गाड़ी का। ठीक है। जिसकी क्या कंडीशन है, हेल्थ इसकी गाड़ी की, और इसमें गाड़ी लॉक, इसकी लोकेशन कुछ भी है, जीरो फेंसिंग, काफी कुछ ऐसे अलर्ट है जिसमें आपको इसमें ब्लू लिंक के थ्रू मिल जाते हैं। ओके। सो गाइस ऐसा कुछ इसका स्टीयरिंग रहने वाला, जो कि सिमिलर है अपनी नई वाली क्रेटा से। सो भाई इसका स्टीयरिंग चेकआउट कर लो। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप डाउन के कंट्रोल्स है। यहाँ से चैनल आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से मोड आप चेंज कर सकते हो, कॉल उठा सकते हो ब्लूटूथ से अगर आपका ब्लू लिंक से बेसिकली कनेक्ट है तो। आज इसमें हमें क्रूज कंट्रोल देखने को नहीं मिलता। क्रूज कंट्रोल भी आएगा इसमें, मॉडल अगर आप अपन वेरिएंट लेते हैं उसमें क्रूज कंट्रोल भी मिलेगा। इस वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल देखने को नहीं मिलता, नहीं मिल रहा। अपर वेरिएंट में आप लेंगे तो उसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलेगा। ठीक है। सो भाई ऐसा कुछ रहने वाला चीज चेकआउट कर लो। यहाँ गियर 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। दो आउटलेट यूएसबी के मिलेंगे, यहाँ पे चार्जिंग का सॉकेट है, यहाँ पे यूएसबी का आउटलेट है, 12 वोल्ट का, 20 वोल्ट का आउटलेट आपको देखने को मिल जाता है। और सर बताते सर अपना वायरलेस चार्जिंग है इसमें, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है कंपनी ने। ठीक है। तो आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिलता है। सर गाइज यहाँ पे अब जस्ट आपको फोन रखना है यहाँ पे और भाई आपका फोन चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। यूएसबी चार्जिंग फास्ट चार्जिंग के साथ में। ओके। यहाँ पे फास्ट चार्जिंग के साथ देखने को मिल जाता है। रियर फ्रंट में आपको आर्मरेस्ट है विद स्टोरेज के साथ में, और साथ में स्लाइडिंग है जो काफी अच्छा है, यूनिक लेदर जिसे क्वालिटी काफी अच्छी, प्रीमियम दी क्वालिटी दी गई। हाँ जी, फर्स्ट टाइम। और रियर में भी आपको स्टोरेज, मोबाइल स्टोरेज के साथ में आपको फास्ट चार्जिंग पॉइंट दिया गया मोबाइल चार्जिंग। ओके। सो गाइज यहाँ पे ग्लो बॉक्स चेकआउट कर लो। ग्लो बॉक्स में हमें कितनी स्पेस देखने को मिलता है, ये अपना कूल ग्लो बॉक्स रहने वाला है। यहाँ से चीज चेकआउट कर लो, यहाँ से आप जस्टिफाई कर सकते हो। यहाँ से आपको भाई यहाँ पे कूल करना हो या फिर नॉर्मल रखना हो ये आपके ऊपर है। यहाँ से आप इसको आप कनेक्ट कर या फिर ऑन या ऑफ कर यहाँ से बेसिकली कर सकते हो। सो भाई फर्स्ट टाइम है जो बिल्कुल ब्लैक इंटीरियर के साथ आपको i20 देखने को मिल रही है। सो ऐसा कुछ देख लो, यहाँ पे कुछ डोर पैनल्स रहने वाले हैं। यहाँ से विंडो आप अप डाउन यहाँ पे कर सकते हो गाइज, ये देख लो पूरे यहाँ कंट्रोल्स है, कुछ भी मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पे दिया गया है। ये काफी नए डिजाइन पे जो आपकी i20 में बिल्कुल एक टोटली कह सकता हूँ चेंज है। यहाँ पे बॉटल होल्डर था, यहाँ पे आप कुछ पेपर वर्क रख सकते हो। तो सर यहाँ पे जो ये नया अपना जो ये आया है एक तरीके से IRVM है, तो इसमें बेसिकली ये तीन जो हमें बटन देखने मिले किस चीज का है, ब्लू लिंक का ही पार्ट है जिसमें आपका जैसे आप किसी पैनिक सिचुएशन में SOS का इसमें आपकी है टेक्नोलॉजी, जिसमें आप SOS कोई फंस जाते हैं कुछ ऐसा हो जाता है तो आप SOS की सुविधा ले सकते हैं। साथ में आपका टो कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो टो कर सकते हैं आपका, और डायरेक्ट आपको ब्लू लिंक अगर बटन दबाते हैं तो आप सीधा डायरेक्ट उसमें ब्लू लिंक कॉल सेंटर में मिल जाएगी। जैसे आपको नेविगेशन कुछ पता करना है, कहीं रास्ता पता करना है, तो सब कुछ ये चीजें आपका ब्लू लिंक के थ्रू सीधा ही यहाँ से आप पता कर सकते हैं। सो भाई फ्रंट में तो कुछ ऐसा था, काफी अच्छी स्पेस देखने को मिलती है। सो गाइस i20 में आपको फर्स्ट इन सेगमेंट मिलेगा ब्लू लाइट, ये चीज चेकआउट कर लो भाई। यहाँ पे आपको पैनल्स में देखने को मिलेंगे, नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ब्लू लाइट। कैमरा जस्टिफाई कर रहा होगा तो भाई आप लोग को दिख रहा होगा, नीचे आपको यहाँ पे भाई ब्लू लाइट मिल जाएगा। यहाँ जहाँ चार्जिंग का यहाँ ब्लू लाइट रखा गया पूरा, सो पूरी गाड़ी में यहाँ पे ब्लू लाइट का इल्यूमिनेशन रखा गया है। तो भाई फ्रंट से कुछ ऐसा था, मैं बैक सीट में ले जाता हूँ कि आपको कितनी यहाँ पे सीट देखने को कैपेसिटी या फिर एक तरीके से कह लो कितना स्पेस हमें देखने को मिलता है। रियर में दिखाता हूँ कि हमें कितना स्पेस यहाँ देखने को मिलता है। भाई मैं यहाँ बिल्कुल पीछे सीट कर चुका हूँ तो भाई चीज चेकआउट कर लो,
काफी अच्छी स्पेसिंग आपको देखने को मिल जाएगी भाई। ये चीज चेकआउट कर लो, ये सीट थोड़ी सी आगे है, सो मैंने अपने अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में कर दिया, उसके बाद ही भाई मैं काफी कंफर्टेबली बैठा हूँ। तो यहाँ से चीज चेकआउट कर लो भाई। पीछे की साइड बात करूँ तो यहाँ पे आपको दो एसी के वेंट्स देखने को मिल जाते हैं भाई। नीचे की बात करूँ तो यहाँ पे भाई आपको एक चार्जिंग का सॉकेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा फोन रखने की स्पेस है। सो गाइस यही था इस वीडियो बताने को। आई होप आपको नई वाली i20 काफी ज्यादा पसंद आई होगी। नया फेसलिफ्ट वर्जन टोटली चेंज कर दिया गया है, आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। सर ने काफी ज्यादा डिटेल में भाई जो भी फीचर्स थे सब कुछ आपको बताया इस वीडियो में। अगर आपके भाई टैक्स डेट से रिलेटेड या बुकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप सर को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सर अगेन नाम और मोबाइल नंबर बता दीजिए। जिसका नाम है मोबाइल नंबर 9717685711। तो भाई सबको नई वाली i20 या फिर हुंडई में किसी से रिलेटेड कुछ भी किसी गाड़ी से रिलेटेड क्वेरी है आप सर को बेझिझक कभी भी कॉल कर सकते हो। दैट्स ऑल इन द वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आपने i20 के लिए लाइक जरूर करके जाना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो भाई रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो कि यहां आपको मिल जाए ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ब्लॉग्स नोटिफिकेशन एंड रिव्यूज। बाकी वीडियो को शेयर करना, नई वाली i20 ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग भी बताओ और इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करो। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ नाइस डे।